नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लद्दाख का नासूर चीन के लिए खतरनाक बनता जा रहा है और इस नासूर की दवा खोजने के लिए चीन हर जतन कर रहा, लेकिन घाव इतना गहरा है कि शी जिनपिंग के किसी भी दवा से ठीक नहीं हो पा रहा। उसी का कारण है कि जिस तिब्बत और दलाई लामा से नफरत करते थे, उसी की सरजमी पर पहुंच गए और दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अब खुद चीन के सरकारी भूपू ने शी जिनपिंग के दौरे की असली वजह दुनिया के सामने रख दी। तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर चीन भारतीय सीमा पर 3 नए एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। इस परियोजना को मंजूरी जिनपिंग ने तिब्बत दौरे के बीच में ही दी थी। जानकारों की माने तो दक्षिण एशिया जीतने के लिए चीन को पहले भारत को हराना होगा और भारत है कि सीना तान कर खड़ा और झुकने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए चीन भारत को घेरने और जासूसी करने के हर उस कदम को मंजूरी दे रहा है जिससे भारत को नुकसान और चीन को फायदा होगा। खैर, बात तिब्बत पर रखते हैं और चीन की काली करतूत पर। चीन की मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जहां ये 3 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं वहां लोगों की आबादी एकदम कम है। दूसरी बात यह है कि दशकों से चीन के सताए हुए ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो हवाई सफर जैसे महंगे विकल्प का प्रयोग करेंगे ही नहीं। ये तीनों जगह भारतीय सीमा से एकदम करीब है। ऐसे में जंग के समय चीन इन एयरपोर्ट का इस्तेमाल एयरबेस के तौर पर कर सकता है। जानकारों की माने तो सालों से ये इलाका विकास के चीनी दावे से बिल्कुल अछूता रहा। ऐसे में भारत से तनाव के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चीन तेजी से परिवहन सिस्टम को विकसित कर रहा है? चीन तिब्बत के जिन 3 नए इलाकों में एयरपोर्ट बनाने जा रहा है उनके नाम लुनजे काउंटी, टिंगरी काउंटी और बुरांग काउंटी। चीन इन क्षेत्रों में बनने वाले एयरपोर्ट को 2025 के अंत तक शुरू करने जा रहा है। चीन इन एयरपोर्ट्स को मिलिट्री हितों को ध्यान में रखकर डिजाइन करेगा। यहां कमर्शियल फ्लाइट के अलावा चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान, अवॉक्स विमान, एरियल रिफ्यूलर विमान तैनात होंगे। इसके अलावा चीन ल्हासा में गोंगर हवाई अड्डे को इस क्षेत्र के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने जा रहा है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि जो इलाका पिछले कई सालों से विकास की बाट जो रहा था, वहां चीन विकास नहीं कर रहा, उसका इतनी जल्दी तिब्बत पर प्यार क्यों आया? यही कारण है कि चीन और शी जिनपिंग की करतूत का खुलासा बहुत जल्द हो गया। चीन का दावा है कि तिब्बत के आर्थिक विकास न केवल इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा, बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नेपाल के लिए भी विकास का रास्ता खोलेगा। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 435 किलोमीटर की लंबाई वाले रेल नेटवर्क को शुरू कर चुका है। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों की औसत गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन ने तिब्बत के बुनियादी ढांचों में निवेश काफी बढ़ा दिया। लगभग 35 लाख की आबादी वाले तिब्बत में चीन ने कुल 130 नए हवाई मार्ग शुरू किए। चीन का दावा है कि तिब्बत के 61 छोटे बड़े शहर अब हवाई नेटवर्क से जुड़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों चीन परेशान है और उसकी असली वजह क्या है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि चीन दुनिया को तो विकास दिखा रहा है, लेकिन असली मकसद भारत है।